स्टॉक्स रेफरल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। हाय गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। गाइस, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जिनको उन्होंने अपस्टॉक्स रेफ़र किया था उनका आईडी और पासवर्ड भी आ गया, उनका अकाउंट टोटली एक्टिवेट हो गया है, बट फिर भी यहां पर प्रोसेसिंग आ रहा है। तो यहां पर देखिए, मेरा भी प्रोसेसिंग शो कर रहा है और जितने भी रेफर्स थे सभी ने अपना जो आईडी पासवर्ड है उनको सबको मिल गया। यहां पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग आ रहे हैं काफ़ी सारे, राइट। सो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अब हम इस चीज़ के प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पर देखिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली आपको वेट करना है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हेल्प एंड सपोर्ट में हम गए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेफरल ऑफर्स का। तो देखिए, अगर आपने किसी पर्सन, आपका काम कब तक है, किसी पर्सन को रेफ़र कर देना और उनसे टोटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा देना, टोटल डिटेल्स अपडेट करवा देना और आपका जो पर्टिकुलर रेफरल है वो प्रोसेसिंग में चला जाए। प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, अपस्टॉक्स का काम शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए, रेफरल प्रोग्राम में साफ साफ लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द रेफरल रिवॉर्ड टू गेट क्रेडिट टू माई अकाउंट। सो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है। थैंक यू फॉर रेफरिंग योर फ्रेंड टू अपस्टॉक्स, वी वैल्यू योर कंट्रीब्यूशन, वी क्रेडिट द रेफरल अमाउंट इनटू योर रेफरल अकाउंट विद इन 10 working days, ओके, 10 working days फ्रॉम द डेट ऑफ योर रेफर्ड फ्रेंड्स अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब से उनका अकाउंट ओपन होता है उसके बाद 10 working days का समय लगता है आपके अकाउंट में अमाउंट कन्फर्म होने के लिए। टू नो द स्टेटस ऑफ योर रेफरल रिवॉर्ड प्लीज़ लॉग इन टू योर अकाउंट एंड फॉलो दिस स्टेप्स। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो सिंपल सा यही है, रेफरल ऑन में जाकर योर अर्निंग्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा, तो जो भी प्रोसेसिंग में है वो आपको 10 working days का वेट करना है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि वो जैसे आईडी पासवर्ड आ जाता था उनको, उसके 2-3 घंटे बाद आपका जो अमाउंट है वो कन्फर्म हो जाता था, लेकिन इनका जो मैक्सिमम टाइम है वो 10 working days का है। अगर 10 working days में भी आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं होता है तो आप सिंपली इन्हें मेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेल कर देना है या फिर आपको यहाँ पर देखिए 10 working days में 101% चांस है कि आपको क्रेडिट हो जाए, बट अगर फिर भी क्रेडिट नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें। तो आपको सिंपल सा फिर से यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है एंड यहाँ पर आपको फिर से रेफरल एंड ऑफर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आप कोई से भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, रिलेवेंट ऑप्शन, एंड उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा चैट विद अस का, यहाँ पर आप इन्हें चैट कर दीजिए। यहाँ पर जो भी रिलेवेंट ऑप्शन से आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर टाइप का ऑप्शन आएगा, आप टाइप कर दीजिए कि आपको जो रिवॉर्ड है वो रिसीव नहीं हुआ है, वो रिप्लाई कर देंगे वहाँ से आपको। यहाँ पर आप लिख सकते हो आई हैवंट रिसीव्ड माई रेफरल रिवॉर्ड, ठीक है। ये लिखने के बाद आप शेयर सेंड कर सकते हो, वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। तो ये है सिंपल प्रोसेस अगर आपको अपना जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिलता है तो। फर्स्टली आपको 10 working days के लिए वेट करना है जिसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होते हैं, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहें अपस्टॉक से रिलेटेड और सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।